All employees, lend me your full attention. Kill three of your coworkers. जरा सोचिए, आप एक ऑफिस में काम करते हो जहां एक दिन एक ऐसा डेडली गेम खेला जाता है जहां सरवाइव करने के लिए आपको एक दूसरे को मारना पड़ता हो। ना ही आप उससे बाहर जा सकते हो और ना ही बाहर किसी से कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ ऐसा ही हम देखने वाले हैं आज की इस मूवी में, जिसका नाम है द बेल्को एक्सपेरिमेंट। ये मूवी स्क्विड गेम सीरीज जैसी है। कहा जाता है कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो मैं आपको मूवी के एंड में बताऊंगा। ये कहानी अमेरिका के शहर कोलंबिया में दिखाई गई। यहाँ पर हम बेल्को इंडस्ट्री को देखते हैं। दरअसल ये इंडस्ट्री अमेरिका की सरकार चला रही होती है। ये ऑफिस शहर के इलाकों से काफी ज्यादा दूर बनाया गया है। माइक, जो कि इस कंपनी का एक कर्मचारी है, वो अपने रोजाना रूटीन के मुताबिक इस ऑफिस में जा रहा होता है। माइक ऑफिस पहुंचते दौरान देखता है कि आज रूटीन के मुताबिक सब कुछ वैसा नहीं है। जरूरत से ज्यादा यहाँ पर गार्ड्स मौजूद हैं और वो सब गार्ड्स बिल्कुल नए हैं। जितने भी लोकल कर्मचारी थे उन सबको वापस भेजा जा रहा था। वहाँ पर सभी लोगों की काफी ज्यादा सख्ती से सिक्योरिटी चेकिंग की जा रही थी। माइक और उसके बाकी साथी अब ऑफिस के अंदर आ जाते हैं और सब लोग आम रूटीन के मुताबिक अपने कामों में लग जाते हैं। इसके बाद हमें माइक की गर्लफ्रेंड लिएंड्रा को दिखाया जाता है। ऑफिस के सभी कर्मचारी बहुत खुश लग रहे थे, लेकिन कंट्रोल रूम में कुछ लोग इन सब लोगों पर नजर रखे हुए थे। एक लड़की जिसका नाम डैनी है, आज उसका ऑफिस में पहला ही दिन होता है। ऑफिस का एचआर उसे सब प्रोसेस बताता है और ये भी बताता है कि मेडिकल टेस्ट के दौरान उसके सिर के अंदर एक ट्रैकिंग चिप लगाया गया है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सभी कर्मचारियों के सिर के अंदर ये ट्रैकर लगाया गया होता है। दरअसल ये ट्रैकर कर्मचारियों के सेफ्टी के लिए होता है, क्योंकि ये ऑफिस कोलंबिया में है और यहाँ के हालत बहुत खराब थे। वही माइक ये सब देखकर काफी हैरान लग रहा था कि कोई भी लोकल गार्ड यहाँ पर मौजूद नहीं है और ना ही यहाँ के लोकल कर्मचारी। इस बात की जानकारी लेने के लिए वो अपने लोकल गार्ड को फोन करता है। वो गार्ड बताता है कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। उसी वक्त इंटरकॉम पर कोई अननोन वॉइस एक भयानक अनाउंसमेंट करता है कि इस बिल्डिंग में कुल मिला के 80 लोग हैं, पर कुछ ही देर में तुम सब लोग मारे जाओगे। पर अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे सुनो और मेरे आदेशों को फॉलो करो, और तुम सबको जो भी टास्क जाएंगे उन सबको पूरा करना होगा। जिसके बाद पहला टास्क दिया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि अगले आधे घंटे में अपने किसी दो साथी एम्प्लॉय को मारना होगा। आदेश में ये भी बताया जाता है कि आप अपने किसी भी एम्प्लॉय को जान से मार सकते हो, पर अगर ये टास्क पूरा ना हुआ तो इसका नतीजा आप सबको बहुत सख्ती से भुगतना होगा। सब लोग हैरान तो होते हैं, लेकिन बाद में सब इस बात को एक मजाक समझकर अपने काम की तरफ ध्यान देने लगते हैं। पर थोड़ी ही देर में इन सब के मोबाइल फोन्स के सिग्नल भी चले जाते हैं, यानी कि अब ये बाहर किसी से बात नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद एक औरत डर जाती है और भागने की कोशिश करती है। वो जैसे ही बाहर भागने लगती है तो इस बिल्डिंग के शीशों पर मेटल शीट्स आ जाते हैं और बिल्डिंग के सारे खिड़की और दरवाजे इस मेटल शीट से ढकना शुरू होने लगते हैं और बिल्डिंग पूरी तरह से सील हो जाती है। ये सब देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं। माइक अपने कुछ वर्कर से कहता है कि ब्लोइंग टॉर्चर मशीन ले आओ और इस मेटल प्लेट्स को पिघला कर काट दो। जिसके बाद वो उसको काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस प्लेट पर कुछ असर नहीं होता क्योंकि ये बहुत मजबूत और मोटी तय की बनी होती है। इसके बाद एसी भी बंद हो जाता है। यहाँ पर इस कंपनी के सीईओ, जिसका नाम बैरी होता है, वो कहता है कि ये एक सरकारी बिल्डिंग है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। किसी गलती की वजह से ये मेटल प्लेट शीशे पर आ गई होंगी, लेकिन माइक इन सब चीजों को होता देखकर मजाक नहीं समझता। उसे लगता है कि कुछ गंभीर मामला है। ऑफिस के कुछ लोग बिल्डिंग की छत पर चले जाते हैं और वहाँ पर वो गार्ड्स को इशारा करते हैं कि हमारी मदद करें, लेकिन गार्ड उनको देखकर बिल्कुल अनदेखा कर देता है। एक कर्मचारी कहता है कि ये सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट है हमें आजमाने के लिए, क्योंकि जॉइनिंग के वक्त ही हमें बताया गया था कि हमें परखने के लिए कुछ टेस्ट किया जाएगा। लेकिन फिर अचानक उसके बाजू में खड़ी लड़की का सिर फट जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। साथ ही बिल्डिंग के अंदर भी तीन और कर्मचारियों के सिर फट जाते हैं और उनका भी उसी वक्त मृत्यु हो जाता है। सबको लगता है कि उनको बुलेट मारी गई है, इसलिए सब इधर उधर भागने लगते हैं। कंपनी का सीईओ बैरी हिम्मत करके एक लाश की जांच करने लगता है और नोटिस करता है कि इन सब लोगों के सिर अंदर से फटे हुए हैं, ना कि कोई बाहर से गोली लगी है। और माइक ये सब देखकर समझ जाता है कि उनके सिर के अंदर जो ट्रैकर फिट किए गए थे वो एक मिनी बॉम्ब है।
इसके बाद माइक फौरन वॉशरूम में जाता है और एक चाकू की मदद से अपना ट्रैकर निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि बिल्डिंग में हर तरफ कैमरा लगे हुए थे। माइक को बाथरूम के अंदर भी वही आवाज सुनाई देती है और वो आवाज माइक को मना करती है कि अपने ट्रैकर को छोड़ दो, अगर तुमने इसे छेड़ा तो वो उस ट्रैकर को ट्रिगर कर देंगे और वो बम की तरफ फट जाएगा। माइक ये सब सुन के रुक जाता है। पूरी बिल्डिंग में ये अननोन आवाज दोबारा से बोलता है। वो कहता है कि अगर किसी ने अपना ट्रैकर निकाला तो उसका नतीजा बहुत बुरा होने वाला है, और अब वो सबको उनका दूसरा टास्क बताता है। अगला टास्क ये है कि अगले 2 घंटे में तुम सबको 30 लोगों को मारना है और सारे 30 लोगों की जान जानी है। अगर 30 लोग ना मारे तो हम यहाँ पर 60 लोगों को मार देंगे। ये सुनते ही सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कुछ लोग आपस में लड़ना भी शुरू कर देते हैं, और इसी लड़ाई के दौरान कुछ लोग एक दूसरे को मार भी देते हैं। अब ऑफिस के अंदर 2 अलग ग्रुप्स बन जाते हैं, एक तरफ माइक का ग्रुप और एक तरफ सीईओ बैरी का ग्रुप। बैरी का ग्रुप ये समझता है कि 30 लोगों को मारना ही बेहतर है, जबकि माइक कहता है कि ये सब मासूम लोग हैं और मारना इस समस्या का कोई हल नहीं है, और ज्यादातर लोग माइक का ही साथ देते हैं क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहता। बैरी का साथ देने वाले लोग इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद आर्मरी को खोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस आर्मरी में बहुत सारे हथियार होते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद लोकल गार्ड उनको चाबी नहीं देता। इसके बाद माइक की गर्लफ्रेंड लियंडर एक आइडिया देती है कि हम छत पर जाकर हेल्प के लिए एक बैनर लगाते हैं, पर बैरी उसे याद दिलाता है कि उनकी लोकेशन सिटी से काफी दूर है, किसी ने इसे देख भी लिया तो उनके आने से पहले ही जो ये गेम खेल रहा है वो हम सबको मार देगा। लेकिन ज्यादातर लोगों को लियंडरा का आइडिया सही लगता है, इसलिए वो एक बैनर बनाने लगते हैं। वही आर्मरी का चाबी ना मिलने पर बैरी उसे ब्लो टॉर्च से मेल्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी माइक आकर उस ब्लो टॉर्च को नष्ट कर देता है, जिस वजह से अब माइक और बैरी के दुश्मनी पैदा हो जाती है। इसके बाद माइक कुछ लोगों के साथ मदद लेने के लिए बिल्डिंग की छत पर चले जाते हैं और वहाँ पर ये बैनर लगाते हैं जिस पर लिखा होता है कि वी आर हेल्ड हॉस्टेज, यानी कि हमें अगवा कर लिया है, हमारी मदद करें। लेकिन उसी वक्त नीचे से गार्ड सामने आ जाते हैं और इन पर गोलियां चलाने लगते हैं। इसके बाद वो अननोन आवाज उन्हें वार्निंग देता है कि तुमने अगर ऐसा कुछ किया तो तुम्हें अभी ही मार दिया जाएगा। फिर इसे सुनकर सब डरकर वहां से वापस नीचे ऑफिस में आ जाते हैं। माइक नीचे आके अपने साथियों से बात करता है और वो समझ जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है। वो उन्हें ये बताता है कि ये हमारी जॉब एक किस्म की ट्रैप थी, शायद हम पे कोई ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और ये यहाँ की सरकार ही करा रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस ऑफिस के सभी कर्मचारी अलग अलग देश के हैं और कोई भी लोकल नहीं है। ये सच में एक जानलेवा साइकोलॉजी टेस्ट है, इसलिए बिल्डिंग में आर्मरी भी रखा गया है ताकि ये टेस्ट और खतरनाक हो, और इसीलिए ये बिल्डिंग सिटी से इतना दूर है। इसके बाद हम देखते हैं सीईओ बैरी पीछे से माइक के सिर पर जोर से फायर एक्सटिंग्यूशर मारकर उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वो उस लोकल सिक्योरिटी गार्ड से भी आर्मरी की चाबियां छीन लेते हैं और वो उस गार्ड को भी मार देता है। बैरी चाबियों की मदद से आर्मरी को खोलकर उसमें से गन्स को ले लेता है और बाकी गन्स को अपने साथियों में बांट लेता है, यानी कि अब बैरी की टीम के पास हथियार है, जिसके बाद उसके टीम के लोग बिल्डिंग के अंदर मौजूद बाकी कर्मचारियों को गन पॉइंट पर एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। और इतनी देर में माइक को भी होश आ जाता है और वो भी इन सब इकट्ठा हुए लोगों के बीच में खड़ा हो जाता है। यहाँ पर बैरी कुछ लोगों को अलग करता है और वो कहता है कि जिनके बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं वो लोग अलग हो जाए, और बाकी सब लोग जो बूढ़े हैं या जिनके बच्चे नहीं है वो अलग हो जाए। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें 30 लोगों को मारना ही होगा। इसके बाद सबसे पहले बैरी बूढ़े लोगों को मारने का फैसला करता है और कुछ रैंडम लोगों को एक अलग लाइन में बिठा देता है। वो बूढ़े लोगों के ऊपर गोलियां मारना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ डैनी, जो कि एक नई कर्मचारी थी जिसने आज ही ऑफिस को ज्वाइन किया था, वो डर के मारे एक ऐसी जगह पर छुपी हुई थी जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। वो जब गन शूट की आवाज सुनती है तो लाइट्स के मेन स्विच को बंद कर देती है, जिसकी वजह से अंधेरा हो जाता है और सब लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। लेकिन बैरी और उसकी टीम अंधाधुन शूटिंग करने लग जाते हैं और इस अंधाधुन फायरिंग के चलते और भी लोग मारे जाते हैं। अननोन आवाज दोबारा से कहता है कि अभी तक 29 लोग मारे गए हैं और तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, और इन 2 मिनटों के अंदर अगर एक और किलिंग ना हुई तो हम लोग तुम्हारे 30 और लोग मार देंगे। सभी लोग छुप गए होते हैं, जिसके बाद बैरी लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वहां पर अंधेरा होता है। वो अपने दिए हुए समय में उनको नहीं ढूंढ पाता और इतनी ही देर में टाइम भी खत्म हो जाता है, और अब एक एक करके और 30 लोगों के सिर फटना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक दिल दहलाने वाला सीन होता है। अब यहाँ पर उस अननोन आवाज का कंट्रोल रूम दिखाया जाता है और यहाँ पर सभी कर्मचारियों के नाम लिखे हुए थे
और उनके साथ स्विचेस भी लगे हुए थे, यानी कि जितने भी बम फट रहे थे वो यहाँ से कंट्रोल हो रहा था। वो एक एक करके जिसका ये बटन दबाया करता था उस कर्मचारी के सिर में वो ट्रैकर फट जाता था और वो मर जाता था। अब ऑफिस के अंदर सिर्फ 16 लोग जिंदा रह जाते हैं और यहाँ पर ये अननोन आवाज अपना आखिरी टास्क अनाउंस करता है और कहता है कि अगले एक घंटे में जो भी शख्स सबसे ज्यादा लोगों को मारेगा उसको सिर्फ जिंदा रहने दिया जाएगा और वो अपना जीवन खुशी से गुजार सकता है। अब तक सबसे ज्यादा किलिंग बैरी और उसके एक दोस्त विंडल ने की। विंडल और बैरी और भी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, बल्कि वो लोग भी जो माइक के साथ थे और किलिंग के खिलाफ थे। अब अपने सर्वाइवल के लिए वो भी लोग को मारना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग मरे हुए लोगों के दिमाग से मिनी बॉम्ब्स निकाल रहे थे जो कि अभी पूरी तरह से फटे नहीं थे। अब इनका प्लान ये था कि इन मिनी बॉम्ब को इकट्ठा करके एक ब्लास्ट किया जाए और इस बिल्डिंग से निकला जाए। माइक की गर्लफ्रेंड लियंड्रा माइक को ढूंढने के लिए ऊपर जा रही होती है और वो रास्ते में देखती है कि बैरी का दोस्त विंडल लोगों को मार रहा है, जिसके बाद दोनों की आपस में लड़ाई होती है और वो एक कुल्हाड़ी की मदद से विंडल के सिर पर वार करती है और उसको जान से मार देती है। अब विंडल भी मारा जा चुका है। इसके बाद वो माइक से जाकर मिलती है। वो माइक को बॉम्ब्स भी दिखाती है। माइक वो बॉम्ब्स ले लेता है और अपनी जेब में रख लेता है और उसी वक्त बैरी भी वहां पर आ जाता है और इन दोनों पर शूट करने लगता है। इस बीच एक गोली लियंड्रा को लग जाती है और वो जख्मी होकर आखिर मर जाती है। वो लड़की डैनी जिसने आज ही ऑफिस ज्वाइन किया था उसको लगता है कि अब सब कुछ रुक चुका है और वो लिफ्ट से नीचे आती है, पर उसी वक्त बैरी उसके सिर पर गोली मारकर उसे भी मार देता है। अब पूरे ऑफिस में सिर्फ माइक और बैरी ही जिंदा बचे हुए थे। माइक बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को बैरी ने मार दिया होता है और वो गुस्से में बैरी पर हमला करता है। दोनों के बीच काफी देर तक जबरदस्त लड़ाई होती है और अंत में माइक बैरी को मार देता है। इसके बाद वो अननोन आवाज माइक को विनर घोषित करता है और दरवाजों और खिड़कियों पर लगी सभी मेटल प्लेट सट जाते हैं। माइक इसके बाद रोने लगता है और काफी ज्यादा उदास होता है। फिर अंदर दो गार्ड्स आ जाते हैं और माइक को उठाकर एक दूसरे कमरे में ले जाते हैं। माइक को उस कमरे में ले जाया जाता है जहां से ये पूरा एक्सपेरिमेंट कंट्रोल किया जा रहा था। वहां पर एक बूढ़ा साइंटिस्ट बैठा हुआ था। वो बूढ़ा साइंटिस्ट बताता है कि तुम जो आवाज सुन रहे थे वो मेरी आवाज थी। मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ जो ह्यूमन बिहेवियर पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये देखने के लिए कि जब उन पर एक टफ सिचुएशन आएगी तो इंसान किस तरह से ये रिएक्ट करेगा, और ये सब एक्सपेरिमेंट हम इसी मकसद के लिए कर रहे थे। और वो साइंटिस्ट माइक से पूछता है कि अब बताओ माइक तुम कैसा फील कर रहे हो। तब माइक उसे कहता है कि क्या तुमने मुझे मिनी बम उठाते हुए देखा था। साइंटिस्ट थोड़ा सा हैरान होता है और उसे कुछ गड़बड़ लगता है और उससे उस मिनी बम के लोकेशन पूछता है। तब माइक बताता है कि वो उनके पॉकेट्स में है। और अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे कुछ देर पहले माइक ने चालाकी से उस मिनी बम्स को गार्ड्स और उस साइंटिस्ट के पॉकेट में डाल दिया था। इससे पहले कि वो उसे निकाले माइक तुरंत भाग कर जाकर स्विचेस को ऑन कर देता है सिवाय अपने स्विच के, और स्विचेस ऑन होते ही वहां पर बॉम्ब फटते हैं और सभी गार्ड और साइंटिस्ट जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद वो गार्ड्स की गन उठाता है और वहां पर मौजूद सब लोगों को मारकर उस कमरे से बाहर आ जाता है। उस कमरे से बाहर आने के बावजूद भी माइक पर एक कैमरा की नजर होती है और ये कैमरा जब जूम आउट होता है तो हम एक स्क्रीन देखते हैं जिसमें बहुत से लोग माइक की तरह ही सर्वाइवर होते हैं, जिसमें हमें ये मालूम पड़ता है कि ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ कोलंबिया में ही नहीं चल रहा था बल्कि ऐसे एक्सपेरिमेंट बहुत सी जगह पर हो रहे थे। सीन के एंड में कोई अननोन वॉइस स्टेज 2 अनाउंस करता है, यानी ये एक्सपेरिमेंट अभी भी बाकी था, शायद आगे जाकर ये एक्सपेरिमेंट सभी सर्वाइवर्स के बीच होगा। और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों बता दें कि ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट 1930 में डॉक्टर स्टैनली मिलग्रम ने परफॉर्म किया था, जिसका रिजल्ट भी सेम ही निकला था। दोस्तों जाने से पहले आपको एक मूवी सजेस्ट करना चाहूंगा जिसमें एक आदमी जिस लड़की से प्यार करता है उसके अंदर एक डीमन हावी हो जाता है और वो डीमन उसे सेक्स के लिए सेड्यूस करता है और वो खुद को काबू नहीं कर पाता, जिसके बाद जो हुआ उसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ क्लिक करके देखिए इस सीरीज को जिसका नाम है द एक्सोरसिज्म ऑफ गॉड। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।